खर्च करते हुए ये यकीन रखो कि जो माल हम आगे भेज देंगे ना, असल में वही माल है जो हमारा महफूज हो गया है। यहां पे हमने क्या किया है, एक अच्छा अच्छा ब्रांड खरीद के पहन लिया, कुछ अरसे के बाद पैसे खत्म हो गए, जाया हो गए, कपड़ा छोटा हो गया, जाया हो गया, शूज छोटे हो गए, जाया हो गए, अच्छी गाड़ी ले ली, कुछ अरसे के बाद वो गाड़ी पुरानी हो जाएगी, जाया हो गया। तो जो माल यहाँ पे खर्च कर लिया, खा लिया, वो तो यहाँ पे रह गया, उसका अजर अब आखिरत में तो नहीं है। लेकिन जो माल आपने आगे भेज दिया, हकीकत में वो माल आपका अभी भी महफूज है। तो अकलमंद इंसान वो है कि जो अपने माल को ऐसी जगह पे भेजे जहां पे उसको जहां पे उसको वो माल उस वक्त काम आए जब उस माल की वाकई जरूरत है। और असल जरूरत हमारी उस सदके की कब होगी, होगी क्यामत के दिन, आखिरत में। क्योंकि सदके के बारे में क्या आता है कि सदका जहन्नुम की आग को ठंडा करता है। तो अगर सदका किया ही नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? अगर सारा माल सिर्फ अपनी जात पे लगा दिया कि मैं ही अच्छे कपड़े पहनूं, मैं ही अच्छे ब्रांड्स पहनूं, मैं ही अच्छी गाड़ी रखूं, मेरा घर ही अच्छा होना चाहिए, सारे घर को डेकोरेशन पे लगा दिया, सिर्फ अपनी जात पे ही फोकस करते रहे और अल्लाह की राह में खर्च नहीं किया, तो जिस वक्त हमें उस सदके की जरूरत होगी और वहां पर मौजूद नहीं होगा तो फिर उस क्या करेंगे? तो क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की राह में सदका करना। और ये सखी जो होता है ना, सखी दिल, जिस इंसान का दिल जो है वो, क्योंकि ये सखावत का ताल्लुक है दिल की कैफियत से, बुखल भी क्या है वो भी दिल की कैफियत है, कि इंसान अंदर से बखील हो जाता है कि उसका दिल नहीं करता कि अल्लाह के राह में खर्च करे, क्योंकि दिल नहीं चाह रहा, माल की मोहब्बत है। और जिस इंसान का दिल सखी हो जाता है तो यकीन जाने कि उसकी जिंदगी भी सुकून से होती है, उसको फिर फिक्र नहीं होती कि मेरा माल अगर चला भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको यकीन होता है कि जो माल मैं अल्लाह की राह में खर्च कर रहा हूं वो हकीकत में कम नहीं हो रहा, वो खत्म नहीं हो रहा, वो जाया नहीं हो रहा, वो हकीकत में मैंने अल्लाह के साथ एक सेविंग अकाउंट खोला हुआ है, जिस अकाउंट में मैं रोजाना या हर हफ्ते या हर महीने जिस जिस तरीके से भी तरतीब है उसमें मैं डालता चला जाता हूं, और क्यामत के दिन ये सारे पैसे और ये सारा माल जो है वो मेरे काम आएगा। तो सखावत के अतबार से क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीका क्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सखी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सखी थे, तो हमने भी क्या करना है, अपनी जिंदगियों में अल्लाह की राह में ज्यादा से ज्यादा खर्च करना, और जहाँ भी मौका मिले उसमें खर्च करें, क्योंकि यही वो माल है जो दुनिया में भी हमारे काम आएगा, जो सदका दिया होगा, और आखिरत में भी अल्लाह ताला इस काम में अजर अता फरमाएगा।